हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में सबसे आसान तरीके में आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में सीखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। और इससे सबसे आसान तरीका आप सभी लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चले, समय ना गंवाएं और सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हम बताएंगे कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। मतलब आरोही क्रम को दूसरे शब्दों में जाना जा सकता है बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम जैसे कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना बढ़ते हुए क्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप सभी लोगों को बता दें, एग्जाम्पल में आप लोगों को हम बता दें कि हम सभी लोगों का जब जन्म होता है तो कितने माह के होते हैं और कितने बड़े होते हैं। प्रथम माह में हम कितने बड़े हुए, द्वितीय माह में हम कितने बड़े हुए, तृतीय माह में हम कितने बड़े हुए, तो धीरे धीरे हमारे में वृद्धि होती रही तो हम बढ़ते चले गए। लास्ट ईयर में 18 वर्ष के हो गए, जन्म से लेकर के 18 वर्ष के हो गए तो हमारे में क्या हुई, वृद्धि हुई। एक हम छोटा सा पेड़ लगाते हैं, अभी बेटा 5 जून आ रहा है, आप सभी लोग अच्छी वायु लेने के लिए, हवा लेने के लिए आप सभी लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम लगभग आप सभी लोग 5 पेड़ों का रोपण करें, जिससे आप सभी लोगों को अच्छी वातावरण से वायु प्राप्त हो सके, अच्छी हवा मिल सके और आप लोगों का जो वातावरण है तो सौंदर्यमय लगे। तो एक छोटा सा पौधा जब होता है इतना बड़ा, इतने बड़े से एक दिन उसमें वृद्धि होती जाती है तो इतना बड़ा हो जाता है और अनेक सारी क्या हो जाती है, पत्तियां उसमें निकल आती है ना। तो क्या हुआ, इसमें खाद पांच पड़ी और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को बता दें, जैसे कि आप लोग गिनती सुनते हैं, गिनती आप लोग देखते हैं, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आती है। तो आप लोगों ने देखा, एक से हमने स्टार्ट किया और यहां पर कितना आ गए, 10 आ, कितने आ गए, 10 यहां पर आ गए बेटा। एक से स्टार्टिंग हुई, 10 आ गए, तो देखो एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया और 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया और 9 के बाद कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखो इसमें वृद्धि हुई कि नहीं हुई, हुई ना वृद्धि इसमें। एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ये भी आपका क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम। अब 10 के बाद 11 था, 11 के बाद 12 था, 12 के बाद 13 था, 13 के बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। तो जितने हम बढ़ते चले जाते हैं और एक से स्टार्टिंग होती है और लास्ट में यहां पे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो ये बढ़ते हुए क्रम हुआ इसका कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है बढ़ते हुए क्रम। क्या होता है, इसका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो चलिए आप लोगों को हम सवाल समझाते हैं। तो फर्स्ट सवाल देखेंगे बेटा कि फर्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है।
लिखते हैं 34, 24, 45, 85 और 36। इसमें आप लोगों को ए पहचानना है। ये आपका प्रश्न हुआ, क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें से आपको पहचानना क्या, अभी हमने बताया बढ़ते हुए क्रम, तो इसमें आप लोगों को ये देखना है कि 34, 24, 45, 85 और 36 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी को नहीं देखना है हमें। इसमें ये देखना है कि सबसे इसमें छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 34 में, 24 में, 45 में, 85 में और 36 में आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आंसर में देखना है कि 34 है, 24 है, 45 है, 85 है, 36 है। इसमें आपको ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी कि 24 है। कौन सी है, 24 यानी 24 है आपकी, कौन सी है, 24 है बेटा, कामा अवश्य लगाते चलेंगे, ठीक है। अब 24 लग गई, अब आपकी बच रही है 34, 45, 85 और 36। अब इन संख्याओं में आप लोगों को देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी बच रही है। अब इन संख्याओं में देखो 36 34 से बड़ी है, 85 से छोटी है और 85 से 45 भी छोटी है, अर्थात सबसे छोटी क्या है, 34 है। कौन सी संख्या है, 34 है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, अब हमने लिख क्या दिया, 34 भी लिख गया, अब 34 लिख गया, अब तीन संख्या बच रही 45, 85 और 36। अब इन संख्याओं में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, 36 है। कौन सी है, 36 है। अब हमने 36 भी लिख दिया, अब 36 के बाद अब इसमें 45 और 85 में देखना है कि 45 छोटी है कि 85 छोटा है, है ना। तो इनमें दोनों में 45 छोटा है, कितना है, 45 यानी 45। अब सबसे लास्ट में 85 बचा, कितना बचा, 85। तो देखो 34 के बाद 24 के बाद 34, 34 के बाद 36 और 36 के बाद 45 और 45 के बाद 85। तो इस प्रकार हुआ बेटा बढ़ते हुए क्रम, कौन सा हुआ, बढ़ते हुए क्रम, इसको क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम। देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने सबसे पहले भी बताया थे कि सबसे इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे हम आंसर में सबसे छोटी संख्या लिखे हैं और यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे आरोही क्रम। जब आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे आरोही क्रम आंसर, ठीक है। और इसमें देखो 34 लिखा, फिर 24 लिखा, फिर 45 लिखा था, यहाँ पे 85, फिर 36, है ना। तो ये मिक्स संख्या थी, इसमें से छांट करके इसमें लिखना था हमको बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे छोटी संख्या, इसके बाद उससे बड़ी, इसके बाद उससे बड़ी, इसके बाद उससे बड़ी, इसके बाद उससे बड़ी, और अंत समय में हम सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। तो ये तो दो अंकों की संख्या रही। अब आप लोगों को हम बताएंगे आरोही क्रम में तीन अंकों वाली संख्याएं, कितनी अंकों वाली, अब आप लोगों को बताते हैं तीन अंकों वाली कौन सी संख्याओं को हम कैसे आरोही क्रम में लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, 144, 455, 220, 135, 484। आप बेटा आपको यह ध्यान देना है कि अभी हमने बताया कि आरोही क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को चुन करके लिखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
इसके बाद इससे बड़ी संख्या लिखते हैं और इसके बाद हम उससे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें आप लोगों को यह ध्यान देना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहां पे हम पहले लिख लेंगे आंसर में आरोही क्रम। अब हमने यहां पे आरोही क्रम लिख लिया है सबसे पहले, तो आरोही क्रम लिख लिया है। अब इस संख्या में 144 में, 455 में, 220 में, 135 में, 484 में ध्यान देंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या 135 है। अब इसके बाद 135 आपने लिख लिया। अब 144 में, 455 में, 220 और 484 में देखा है कि इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस समय सबसे छोटी संख्या आपके दिख रही होगी सामने बोर्ड पे 144 संख्या है। कौन सी है? 144। अब 144 भी हमने लिख लिया। अब देखना है 455, 220 और 484 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें आपकी सबसे छोटी संख्या 220 है। अब आप लोगों को यह देखना है कि हमने 220 भी लिख लिया, 455 और 484 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें बेटा सबसे छोटी संख्या 455 है। कौन सी है? 455 है। अब इसमें कौन सी है? 484 सबसे लास्ट में बचे, है ना। तो आरोही क्रम में बताया था कि इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले है। तो आपको दे रहे होंगे सवाल में कि सबसे पहले हमने सबसे छोटी लिखा, फिर उससे बड़ी लिखे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये मत समझे बड़े क्लास के बच्चे जो हैं स्टूडेंट, ये मत समझे कि हमारे लेवल में नहीं है। बेटा आप लोग टेंथ में कुछ स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो संकोच ना करें, वीडियो अगर सामने आता है तो देख जरूर लेंगे, स्किप नहीं कर देंगे, कट नहीं कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के भी नॉलेज की ये जानकारी है। अगर पता नहीं हुआ तो हमारे घर में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे हमारे भाई बहन हुए, अगर पूछ ले कि भैया जी आरोही क्रम का मतलब बता दीजिए, तो आप हाई स्कूल पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आपको आरोही क्रम के बारे में नहीं पता है तो इतनी शर्म की बात है, है ना। तो बेटा इसको देखना जरूरी है। बड़े क्लास में पहुंच गए, हाई लेवल क्लास में पहुंच गए, तो ये मत समझे कि हमारे लेवल का नहीं है। यहीं से छोटी छोटी क्लासों से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जब नर्सरी केजी में होते हैं तो ए से एप्पल पढ़ते हैं और छोटा से अनार पढ़ते हैं, और यही ए से एप्पल आगे चल करके बढ़ जाते हैं। नाइन्थ और हाई स्कूल की क्लास में जब पहुंचते हैं तो एंड आता है, एब्यूज मींस गाली देना आता है, एडवाइस मींस सलाह, में से ही ए के बारे में आगे चल करके अनेक वर्ड के बारे में हम अध्ययन